वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी मटन का सालन। तो हैदराबादी मटन के सालन के लिए यहाँ पे हमने हाफ के जी मटन लिया है और ग्रेवी के लिए हमने 2 मीडियम साइज अनियन लिए जिसे हम स्लाइस करेंगे और 2 टमेटोज हैं जिसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। दही हमने लिया है 1/4 कप हम दही यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुकर में हमने 1/2 कप ऑयल ले लिया है, इसमें हम फुल गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 सिनेमन, 4 लौंग एंड 2 ग्रीन इलायची, इसे हम सौते करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें स्लाइस अनियन ऐड कर देंगे। इसे हम ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अभी देखिए हमारी अनियन ब्राउन हो गई है। एट दिस टाइम हम अपना यहाँ पे मटन ऐड कर देंगे इसमें। मटन ऐड करने के बाद इसमें इसको हम 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। इसे 5-6 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसे फिर सौते करेंगे। इसे हमने हाई फ्लेम पे ही सौते करना है कंटिन्यू, अपने स्पाइसेस डालते भी। 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने जा रहे हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं। वन टेबल स्पून ही हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। वन टीस्पून जीरा पाउडर। सॉल्ट टू टेस्ट। इसे हम मसालों के साथ फिर से अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम अभी तक हमारी हाई पर है। हाई फ्लेम पर हमें इसे 5 to 6 मिनट के लिए फिर से अच्छे से भूनना है। देखिए भुनने में ही इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया। मैंने बिल्कुल भी इसे छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू इसे भूने जा रही हूँ। अब हम इसमें अपना दही ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून भर के। इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा और हमारा दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा ग्रेवी के साथ, तो हम इसमें अपने चॉप टमेटोज ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ग्रेवी में बहुत अच्छा सा बॉईल आ रहा है। इसमें हम अपने यहाँ पर टमेटोज ऐड कर देंगे। क्यूब्स में मैंने इसे काट लिया है। हर लेवल पे हमें इसे भूनने का टाइम देना है अच्छे से। अब यहाँ पर तब तक इसे भूनेंगे जब तक हमारे टमेटो सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद हम इसे इसमें पानी ऐड करके इसे कवर करके हम इसे कुक करेंगे जब तक हमारा मटन टेंडर नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर भी बिल्कुल ग्रेवी के साथ मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल मैश हो गए हैं। आपने जैसे कि मैंने बताया इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। स्टार्टिंग में 1/4 कप पानी ऐड किया था और वो भी लगभग ड्राई हो गया है। हमें
बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं, वरना ऑफकोर्स ये जल जाएगा। मैं कंटिन्यू इसे चला रही हूँ। अब इसका टेक्सचर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अगर आप इसे चलाना कंटिन्यू छोड़ देंगे तो हमारी ग्रेवी जल सकती है, क्योंकि हमने इसमें पानी लगभग ना के बराबर डाला है। तो आप कंटिन्यू इसे चलाते रहें तो ही ये ग्रेवी उभर के आएगी। बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है इसकी। ऑफ कोर्स ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें बनने में। तो अब हम इसमें, जैसे कि इसने ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करके इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए इसे कुक करेंगे। हाफ कप वाटर, एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम इसको। बॉईल आ जाने पे हम इसे कवर कर देंगे। उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे भी आप कर सकते हैं। 30 मिनट हमें इसे अच्छे से कुक करना है, उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा हैदराबादी मटन का सालन बिल्कुल रेडी है। मैंने पूरे आधा घंटा इसे स्लो फ्लेम पे कुक किया है। बहुत ही टेंडर हो गया है इसका मीट। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर एंड हरा धनिया से हम इसे गार्निश करेंगे और इसकी प्लेटिंग करके हम आपको बताते हैं। इसको एक मिनट दे देते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल रेडी है हमारी आज की रेसिपी। तो मैंने इसे बाउल में निकाल के हरा धनिया से गार्निश कर लिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अपनों से कहें सब्सक्राइब करने, सपोर्ट आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।